नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश में अब तक के 5 चरणों में कुल 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं आज छठे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। छठे चरण में धर्मेंद्र प्रधान, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। साथ ही सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जारी है। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार थमा। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। इस चरण में धर्मेंद्र प्रधान, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में भरी हुंकार, कहा एक साथ हैं दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी। पंजाब में लड़ने का नाटक, देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली कमान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा में प्रचार कर बीजेडी और इंडी गठबंधन को घेरा। योगी आदित्यनाथ ने भी ओडिशा में बीजेडी सरकार की विदाई का किया दावा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। इंडी समेत अन्य दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन सरकार बनने का किया दावा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार में प्रचार कर महागठबंधन के लिए मांगे वोट। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने कहा देश में इंडी गठबंधन के पक्ष में है लहर। तो आइए शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार थम गया है। अब मतदाताओं को 25 मई का इंतजार है, जब 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में धर्मेंद्र प्रधान, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। छठे चरण के प्रचार में क्या कुछ रहा खास और किन दिग्गजों की किस्मत पर लगा है दांव, ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सात चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में छठे चरण के मतदान के लिए सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में जोर लगाते दिखे। खास तौर पर इस चरण के लिए नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता दिखाई दिया। छठे चरण के प्रचार के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की घटना, कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा, भ्रष्टाचार, संविधान में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, रोजगार, पिछड़ापन, बेरोजगारी, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर बयानों के तीर चले। अब छठे चरण पर नजर डालें तो इस चरण की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से 49 सामान्य, 7 अनुसूचित जात और 2 अनुसूचित जनजात के लिए आरक्षित है। वहीं इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होना है, जिसके लिए 869 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 775 पुरुष उम्मीदवार हैं, 94 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इस बीच 25 मई को जिन 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। छठे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, बांकुड़ा से डॉक्टर सुभाष सरकार, गुड़गांव सीट से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पुरी से संबित पात्रा, मिदनापुर से अग्निमित्रा पॉल, कटक सीट से भर्तृहरि मेहताब, डुमरियागंज सीट से जगदम्बिका पाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, कुरुक्षेत्र सीट से नवीन जिंदल, करनाल से मनोहर लाल चुनाव मैदान में हैं। वहीं इसके अलावा इस चरण में विपक्षी दिग्गजों में अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती,
रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गुड़गांव सीट से राज बब्बर, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, सिवान से अवध बिहारी चौधरी और कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में हैं। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव नतीजों की तो छठे चरण की इन 58 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेडी को 4, बसपा को 4, जदयू को 3, तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 1, लोजपा को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 और आजसू को 1 सीट पर जीत मिली थी। छठे चरण की 58 सीटों पर 25 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा 21 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। बहरहाल आम चुनाव के पहले 5 चरणों में औसत मतदान 65.56% दर्ज किया गया है, जहां 5वें चरण में 60.09% वोटिंग हुई तो वहीं 4थे चरण में 69.16% मतदान हुआ, जबकि तीसरे चरण में मतदान 65.69% रहा। इसके अलावा दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया तो वहीं पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 4 जून को किस किस उम्मीदवार पर जीत का सहरा सजता नजर आएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेवाड़ी से, गिरीश निशाना हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम मुकेश के पास जाएंगे। मुकेश, क्योंकि अब प्रचार थम गया है तो क्या कुछ तैयारियां मतदान को लेकर चल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकलें, इसके लिए क्या कुछ चुनाव आयोग की ओर से किया गया है? मुकेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जैसे छठे चरण का मतदान अब बहुत करीब हो गया है क्योंकि 25 तारीख को ही वोट डाले जाएंगे और उसको लेकर के जो है आज शाम 5 बजे तक जो चुनाव प्रचार था थम गया। हरियाणा की 10 सीटों पर इस समय महासंग्राम होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर यहां पर दिखाई देती है और जिस तरह से चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियों की तरफ से दिग्गज नेताओं ने शिरकत करी, लगातार यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगाया। आज खुद प्रधानमंत्री जो थे वो महेंद्रगढ़ में थे, इससे पहले कल राहुल गांधी यहां पर मौजूद थे, आज यहां पर जो थी वो प्रियंका गांधी मौजूद थी। तो ये तमाम वो लीडर्स हैं जो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार 10 में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ऐसे में कांग्रेस यहां पर हमलावर है और वो अपने अपने जो पैतरे वो आजमा रही है। वो उन्होंने कल राहुल गांधी ने कई चीजें बोली महिलाओं के लिए कि हम उनको कौन कौन से बेनिफिट से इस बार रूबरू कराएंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो है तनख्वाह दोगुनी कर देंगे, जो भी महिलाएं गरीब तबके से नीचे उनको 1,00,000 रुपए देंगे और उन्होंने बहुत जोर शोर से ये तमाम ऐलान किया। उन्होंने बोला जो भी ग्रेजुएट होगा उसको पहली नौकरी पक्की दी जाएगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री हमलावर होते हुए बोलते हैं कि हर एक इंडी जो गठबंधन है वो हर साल एक नया प्रधानमंत्री लेकर के आएगा। क्या ऐसा देश में विकास संभव हो पाएगा, क्या ऐसे देश आगे चल पाएगा? तो ये तमाम चीजें इस बार महेंद्रगढ़ की जो जनसभा थी उसमें प्रधानमंत्री ने जोर शोर से उठाया और उन्होंने कहा कि उनका बहुत पुराना रिश्ता है राजस्थान से क्योंकि वो काफी समय तक इस एरिया से जुड़े रहे, मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर उन्होंने काफी काम किया। लेकिन जब 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वीकेंड का दिन होगा, गर्मी जो है वो अपने उफान पर, ऐसे में वोटर्स को जो है वो हर एक वार्ड से निकाल करके जो है पोलिंग स्टेशन तक ले जाना, उनका वोट कास्ट कराना दोनों पार्टियों के लिए चुनौती रहेगी। कैसे पार्टी वर्कर्स काम करते हैं क्योंकि अब जो है वो एक दिन का समय बचा है, 25 तारीख को जो है वो वोट कास्ट किए जाएंगे। ऐसे में कैसे ये टीमें काम करती हैं क्योंकि यहाँ चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को हल्के में लिया जा सकता, उन्होंने भी अपना जनाधार अच्छा इकट्ठा किया। महेंद्रगढ़ में उनकी भी एक अच्छी रैली देखने को मिली, राव दान सिंह के जो पक्ष में वोटर्स वहां पर आए थे, जो वहां पर उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे वो भी अच्छे हुजूम में थे। तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है चुनावी माहौल और काफी कुछ होगा दोनों पार्टियों के लिए स्टेक पर। ठीक है, गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, दिल्ली काफी महत्वपूर्ण है, दिल्ली की 7 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव होना है, क्या कुछ तैयारियाँ मतदान के लिए चल रही हैं और दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकल कर आएँ मतदान करें, इसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं?
देखिए चंद्रशेखर, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब से कुछ देर पहले यानी कि 6 बजे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया है। अब किसी तरह का प्रचार कोई भी पार्टी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से दिल्ली के अंदर तैयार है। दिल्ली की 7ों लोकसभा सीटों पर 162 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके लिए 1,52,00,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। और इन 1,52,00,000 से ज़्यादा मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए जो दिल्ली निर्वाचन कार्यालय है उसकी तरफ से कई तरह की पहल की गई, कई अभियान चलाए गए, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की गई, युवाओं को इसके अंदर जोड़ा गया, मैसेज के माध्यम से लोगों तक संदेश दिया गया है, अलग अलग माध्यम से संदेश दिया गया है कि इस बार 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकलें और अब वोटिंग करें। खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 85 साल से ऊपर के हैं, उनसे भी फॉर्म भरवाए गए। खासतौर पर कहा गया जो लोग आ सकते हैं ठीक है, अगर नहीं आ सकते तो उनके लिए भी उनको सुविधा प्रदान की गई, उनके घरों पर ही उनका वोट कराया गया। और जो लोग पोलिंग स्टेशन पर आना चाहते हैं उसके लिए भी खासतौर पर चुनाव आयोग ने विशेष इंतजाम किए हैं, उनके लिए बैटरी रिक्शा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे कोई दिव्यांग आता है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी, तो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं चुनाव आयोग ने कर ली हैं दिल्ली के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो सके इसके लिए खास तौर पर अर्धसैनिक बलों की 46 कंपनियों को तैनात किया गया है। करीब 1,00,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक इसके अंदर शामिल रहेंगे जो ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। और ऐसे में जो लोग ड्यूटी पर सुबह जल्दी पहुंचना चाहते हैं उसके लिए भी दिल्ली मेट्रो ने विशेष इंतजाम किए हैं। इस बार 25 मई की अगर बात की जाए चंद्रशेखर, तो सुबह 25 मई को 4 बजे से दिल्ली मेट्रो की हर आधे घंटे पर सेवा उपलब्ध रहेगी और 6 बजे से नियमित रूप से जिस तरह से दिल्ली मेट्रो की सेवा देती है वो हर 5 मिनट की देरी पर पहुँचती रहेंगी। लेकिन दिल्ली मेट्रो ने फिलहाल जो कर्मचारी जो ड्यूटी पर तैनात रहेंगे उनके लिए सुबह 4 बजे से ही ये व्यवस्था की है। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो पिछले चुनावों में 7ों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था, और इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, बसपा ने तो अपनी 7ों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन ने मिलकर 3 और 4 पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और भाजपा के 7ों उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और देखना यह होगा, दिलचस्प बात यह है कि कई सीटों पर 20 से ज़्यादा उम्मीदवार एक एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। अब देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठती है, जो क्षेत्र की जनता है, जो दिल्ली की जनता है, किसे अपना नेता चुनती है, ये आने वाली 25 मई तय करेगी। और उसके जो परिणाम हैं 4 जून को सबके सामने होंगे कि दिल्ली की 7ों सीटों पर कौन कब्जा जमा पाता है। मुकेश के पास एक बार जाना चाहेंगे, मुकेश क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं और आपने आम लोगों से भी बातचीत की होगी, आम लोगों के जहन में क्या कुछ है, आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या और किन मुद्दों को वो अपने दिमाग में रखकर वोट डालने के लिए जाने वाले हैं। चंद्रशेखर, जिस तरह से देखिए यहाँ पर जो माहौल है, जिस तरह से पिछली बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जिस तरह से उनकी लहर थी, आज भी यही फेस है। आप आम सड़कों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कौतूहल की स्थिति है कि कैसा माहौल चल रहा है। लेकिन क्लियरिटी है, बात करो तो कुछ बातों को लेकर के वो नाराजगी जताते हैं, लेकिन वो कहते हैं विपक्ष इतना कमज़ोर है कि मोदी के आगे वो किसी को वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो कई ऐसे छोटे वेंडर्स, जूस स्टॉलर्स, इन सबसे कल हमने बात करी और मूड जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने बोला आएगा तो मोदी, यानी एक इंश्योरेंस उनको मिली हुई है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर आज भी एड्रेस कर रहे थे एक एक व्यक्ति को, नारनौल के एक मिठाई वाले का नाम लेकर के उन्होंने पूरे मंच में जब उस बात को संबोधित किया, तो देखिए कितनी बड़ी बात है। उन्हें पता है कि महेंद्रगढ़ की मिठाई मशहूर है, उन्हें पता है कि नारनौल का ये फलाना व्यक्ति है जिसकी जो स्वीट है वो काफी मशहूर है, तो वो एक अलग जायका देता है, एक माहौल देता है। और जिस तरह से वो एड्रेस करते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, वो अपने इंश्योरेंस की बात करते हैं, कैसे उन्होंने काम किया, कैसे वो किसानों के लिए काम ला रहे हैं। अच्छा, उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को यहां पर बताया कि वो एक बड़ा हब तैयार करने जा रहे हैं उन किसानों के लिए जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो वो तमाम चीजें वो लेकर के आए। उन्होंने बताने की कोशिश करी कि कैसे
जनता के लिए पिछले 10 सालों से उनकी सरकार ने काम किया, कितना बदलाव हुआ अर्थव्यवस्था में, कितना बदलाव हुआ, कितने सारे पैरामीटर्स और कई सारी जगह पर। ठीक है मुकेश, एक छोटा सा सवाल हम गिरीश से भी लेना चाहेंगे। करनाल रोहतक रेवाड़ी जाने में जो पहले घंटों लगते थे, 6 घंटे 7 घंटे, विद इन 3 आवर्स आप पहुंच जाते हैं, 3.5 घंटे में वो जर्नी पूरी कर लेते हैं। और आप जिस तरह से उन रास्तों पर सफर करते हैं आपको बहुत शानदार लगेगा। मेरे पीछे रेवाड़ी का इलाका, इससे कुछ ही मीटर अगर हम जाएंगे 500 मीटर तो हाईवे कनेक्ट है। ठीक आप है। उस हाईवे पे चलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो कितना शानदार हाईवे है। तो किस तरह से काम किया, लोग बात कर रहे हैं, लोगों को पता है कि काम हुआ है। छोटी मोटी नाराजगी है वो हर बार चलती है क्योंकि चुनावी माहौल है, हर कोई अपना पैतरा आजमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ठीक है मुकेश, एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम गिरीश से भी बात करेंगे और दिल्ली को लेकर के गिरीश से कुछ और हम वहां पर सवाल रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर मुकेश। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति कला योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजंस। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा। और सबसे बड़ा बहाना, इजंट इट अ हॉलिडे टुडे? हॉलिडे, 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। हमारे विभिन्न संवाददाता कई जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हरियाणा से मुकेश जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ गिरीश निशाना जुड़े हुए हैं और हमारे साथ यूपी से अश्विनी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अश्विनी के पास चलेंगे, यूपी से वो जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अगर हम यूपी की बात करें तो अब छठे चरण का जो प्रचार है वो खत्म हो चुका है, क्या कुछ रहा, किस तरह का माहौल रहा, क्या कुछ मतदाता बोल रहे हैं और किस तरह से अब जो मतदान को लेकर के तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं? की नजर उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर है, 14 सीटें पर मतदान होगा 25 मई को। मतदान की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई हैं, जो मतदान केंद्र हैं उनकी पोलिंग पार्टीज कल सुबह से रवाना हो जाएंगी, जो जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा निर्धारित स्थान हैं। मैं जौनपुर में हूं, अगर देखें तो इसमें प्रयागराज, जौनपुर, फूलपुर, सुल्तानपुर, डुमरियागंज, ये सब ऐसी सीटें हैं जो कि इन सब सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा को काफ़ी बढ़त मिली हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जातीय समीकरण है और जो क्षेत्रीय दल हैं, जिन क्षेत्रीय दलों से भाजपा ने अपना गठबंधन किया है और जो विपक्षी गठबंधन का अपना मूलतः सपा और कांग्रेस का अपना गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, मुख्य मुकाबला यही है। पिछले 2019 के चुनाव की बात करें तो बसपा बहुत अच्छे तरीके से चुनाव मैदान में थी, सही कई सीटों को उन्होंने जीता। इन सीटों पर अगर देखें 14 सीटों में 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। अकबरपुर अंबेडकर नगर सीट से रितेश पांडे बसपा से जीते थे, खैर वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस लड़ाई में, इस बार के 2024 के चुनाव में बसपा कहीं भी गंभीरता से चुनावी मैदान में नहीं दिख रही है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला इन सीटों पर न होकर सीधे तरीके से आमने सामने का मुकाबला है भाजपा NDA गठबंधन का और इंडिया गठबंधन का, जिस तरीके से यहाँ स्थितियाँ हैं। विकास और विरासत के संरक्षण और पूर्वांचल के विकास के क्षेत्र के नाम पर, खासतौर से ये सीटें सभी पूर्वांचल की मानी जा सकती है, प्रयाग और
प्रयागराज और प्रतापगढ़ को छोड़कर। तो ये स्थितियाँ ऐसी है कि जहाँ पर काफ़ी विकास का दावा किया है और विकास जमीन पर दिखता भी है, जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये NH-56 था जिसको चौड़ीकरण किया गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया, बहुत सारे विकास के दावे हैं, दावे नहीं हकीकत भी है, जो भाजपा जिन पर अपना वोट जनाधार मानकर चल रही है। समीकरण अगर इंडिया गठबंधन का है तो जातीय स्तर पर है, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण जो है उसी आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा, जनता से यही अपील करेंगे कि पिछली बार 64% से ज़्यादा मतदान इन क्षेत्रों पर हुआ था, ये उम्मीद करेंगे कि जनता जनार्दन ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलेगी, पिछले मत प्रतिशत को भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, नया मत प्रतिशत का रिकॉर्ड बनाएगी। चंद्रशेखर, ठीक है, अश्विनी हमारे साथ बने रहिए, गिरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अगर गिरीश, हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर हम पिछले चुनावों से कंपेयर करें तो इस बार थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन दिल्ली के अंदर है, क्या कुछ इसका फर्क पड़ने जा रहा है दिल्ली की राजनीति पर? देखिए चंद्रशेखर, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले चुनावों की बात की जाए तो पिछले चुनावों में दिल्ली के अंदर मुकाबला त्रिकोणीय था, यानी कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इस बार दिल्ली की 7 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस को दी गई हैं, जबकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, भाजपा 7 सीटों पर लड़ रही है, बसपा ने भी अपने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। देखना ये होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रही, क्योंकि जिस तरह से इंडी गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है, तो एक सवाल दोनों के ऊपर ये भी उठा, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी की रैलियों में यानी चुनावी मंच पर दिखाई नहीं दिए, जो कांग्रेस के मंच पर जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर इन लोगों के ऊपर खड़ा हुआ इस चुनाव के दौरान। हालांकि आज चुनाव प्रचार दिल्ली के अंदर थम गया है, लेकिन सवाल बहुत सारे अभी भी खड़े हो गए हैं। लेकिन मुकाबला देखने लायक होने वाला है इस बार देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, क्योंकि अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक सीट का उदाहरण दूं कि अगर पूर्वी दिल्ली की ही हम अगर बात करते हैं, तो पिछली बार पूर्वी दिल्ली के अंदर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं गौतम गंभीर जो जीत कर आए थे, वो 6 लाख से ज़्यादा वोट प्राप्त करते हैं। इसी तरह से जो दोनों पार्टियों की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को मिलाकर करीब 5 लाख वोट पड़ा था, यानी करीब 1 लाख वोट का कहीं ना कहीं अंतर पूरी तरह से दिखाई देता है अगर इस तरह से समीकरण देखा जाए तो। इसी तरह दिल्ली की अलग अलग सीटों पर इसी तरह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से समीकरण बैठता है, लेकिन मतदाता इस बार क्या सोचकर बैठा है, क्या उसके मन में है, ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार दिल्ली का जो मतदाता है पूरी तरह से साइलेंट दिखाई दे रहा है। हालांकि उसके सामने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बेकार है, कौन से देश के विकास को लेके जाएगा, कौन किस तरह से लेके जाएगा, तो तमाम चीज़ें हैं। क्या फ्री की चीज़ें सामने भारी पड़ती हैं या राष्ट्र का जो विकास है वो भारी पड़ता है, ये तो 25 मई को जब मतदाता अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएगा तब वो तय करके जाएगा कि उसको किस तरह का जो उम्मीदवार है उसको चुनना है, किस तरह की उसको सरकार बनानी है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये जो चुनाव है ये देश के प्रधानमंत्री के चुनाव है, और उसके लिए जो मतदाता है वो अच्छी तरह जागरूक है, वो समझता है सब चीज़ों के कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली के जो 1,52,00,000 से ज़्यादा मतदाता हैं वो कितना वोटिंग परसेंटेज जाके उस दिन 25 मई को करते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज का बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, हालांकि अगर आज की बात की जाए तो आज जो है GH है। ठीक है, अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी आप वहाँ तमाम जगहों पर आप वहाँ पर घूम रहे हैं, सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, अपने मुद्दे हैं, विपक्ष जो है विपक्षी पार्टियाँ जो हैं उनके अपने दावे हैं, अपने मुद्दे हैं, आपने जब लोगों से बातचीत की तो लोगों के जहन में क्या कुछ मुद्दे हैं, लोग क्या कुछ अपने जहन में लेकर के जो पोलिंग बूथ है उसकी ओर जाने वाले हैं? देखिए चंद्रशेखर, अगर जनता के मुद्दे कहें तो जनता के मुद्दे वही हैं। जनता कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र की, पूर्वांचल की अगर बात करें तो ये शैक्षिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से बहुत जागरूक लोग हैं यहाँ पर। एक युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं के मन में ये है कि जो अपेक्षित रोजगार की स्थितियाँ पैदा होनी चाहिए थी वो और ज़्यादा प्रयास करके पैदा की जानी चाहिए थी, और आने वाले जो भी नीतियाँ बने वो इस तरीके के बने कि रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बने। लेकिन एक बात ये भी है कि रोजगार के अलावा अगर देखें तो स्वरोजगार के भी बहुत सारे अवसर बने हैं,
अगर हाईवेज जाते हैं तो हाईवेज के किनारे अगर देखें तो किसी भी उपक्रम के स्थापित होने से लोगों को रोजगार मिलता है। महंगाई भी एक मुद्दा है, निश्चित तौर से महंगाई मुद्दा है। विपक्षी गठबंधन भी इस पर कहीं ना कहीं सरकार पर अपना निशाना साधते हैं, लेकिन आप ये मान के चलना होगा कि वही क्षेत्र है जहाँ से सटा हुआ भगवान श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर कहीं ना कहीं पूर्वांचल में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कंडीशंस होती थी कि गैंगवार हुआ करते थे, ये वही क्षेत्र है और सटे हुए जिले हैं जहाँ पर जो है माफिया सरगनाओं की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ करता था। अब लॉ एंड ऑर्डर का रेस्टोरेशन होना, कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होना, या फिर योगी सरकार के जो यहाँ पर उठाए गए गुंडा विरोधी कार्य हैं उनके धरातल पर दिखते हुए जो वो हैं, मैं जिस हाईवे पर खड़ा हूँ मैं आपको बताऊँ, आमतौर से पूर्वांचल के गाँव क्षेत्रों की स्थितियाँ ये होती थी कि शाम ढलते लोग पुरुष घर से निकलने में कहीं ना कहीं परहेज करते थे, महिलाओं की तो बात करें तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से जो सुधरी हुई कानून व्यवस्था स्थितियां हैं, जो आधारभूत संरचना का विकास हुआ है, इसका लाभ सत्ताधारी दल को मिलेगा। विपक्ष के जो आरोप हैं महंगाई बेरोजगारी का, इस पर भी ये जनता इस पर संज्ञान ले रही है। जनादेश क्या होगा ये निश्चित तौर से मतगणना के बाद पता चलेगा। ठीक है, एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम बिहार भी चलेंगे। हमारे संवाददाता कुमार आलोक वहाँ पर तैयार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा से हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ गिरीश निशाना जुड़े हुए हैं, यूपी से हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं और बिहार से इस वक्त हमारे साथ कुमार आलोक जुड़ चुके हैं। तो कुमार आलोक के पास हम चलेंगे। कुमार आलोक, अब छठे चरण का जो मतदान है उसके करीब हम पहुँच चुके हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो कहां पर ये चुनाव केंद्रित है, क्या कुछ मुद्दे निकलकर वहां पर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, सातवें छठे और सातवें चरण में दोनों चरणों में सबसे ज्यादा सीटों पर मुकाबला है। 8-8 सीटों पर मुकाबला है, जिसमें कि जो छठा चरण होगा उसमें 8 सीटों पर मुकाबला है और यहाँ मुकाबला बहुत ही बेहद दिलचस्प और रोचक है। अगर हम शुरू करें वैशाली से अगर हम शुरू करें तो वहाँ लोजपा की जो सांसद हैं वर्तमान सांसद वीणा देवी से इसका मुकाबला वहाँ पर एक जो बाहुबली कभी हुआ करता अभी भी है बाहुबली वो, और कभी जदयू के नीतीश कुमार के बाहुबली हुआ करते थे मुन्ना शुक्ला जो जाति से भूमिहार है, पहली बार RJD ने उनको वहाँ से उतारा है, इसलिए लड़ाई वहाँ पर दिलचस्प है। उसी तरीके से हम आगे अगर बढ़ते हैं, हम अगर सिवान चलते हैं तो सिवान में त्रिकोणीय लड़ाई है वहाँ पर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो है वो चुनाव लड़ रही है, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और इंडिपेंडेंट लड़ रही है। पहली बार शहाबुद्दीन के फैमिली का कोई आदमी RJD के टिकट से नहीं चुनाव वहां पर लड़ रहा है, RJD टिकट नहीं दिया, वहां अवध बिहारी चौधरी को दिया है जो RJD के बड़े नेता हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे पिछली जो महागठबंधन की सरकार थी। तो उस वहां पर जदयू ने रमेश कुशवाहा को खड़ा किया है, तो वहां भी मुकाबला अगर बात करें तो ये तीनों में मुकाबले में हिना साहब भी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हिना साहब जो पति थे शहाबुद्दीन, उनकी अल्पसंख्यक या अकलियत के वोटरों पर काफी अच्छी पकड़ थी और वो एक तरह से हीरो थे, रॉबिनहुड थे अपने जो उनका अकलियत समाज था, तो उनको टिकट उनके परिवार को टिकट ना देकर के लगातार दो बार 2014 में भी दिया था राजद ने हिना साहब को टिकट और 2019 में भी दिया था, तो एक नाराजगी है उस अकलियत के वर्ग में नाराजगी है और उस नाराजगी का खामियाजा
सिर्फ सिवान सीट पर नहीं आरजेडी को झेलना पड़ सकता है, बल्कि सीमावर्ती जो भी जिले हैं, जो जो संसदीय सीटें हैं, चाहे हम गोपालगंज की बात कर लें, चाहे हम महाराजगंज की बात कर लें, चाहे हम छपरा की बात कर लें, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। ये हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कौन कौन लोग कहाँ पर हैं और कौन कौन महत्वपूर्ण सीटें हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ हम विकास की बात करते हैं और काफ़ी, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, हम कई अन्य बातें करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, लेकिन हम जब बिहार और यूपी की बात करते हैं तो जाति कहीं ना कहीं फिर सामने आ जाती है। इस बार क्या कुछ लग रहा है आपको, जाति क्या बड़ा फैक्टर बना हुआ है वहाँ पर? बिल्कुल, बिहार में अगर हम जाति को हम नहीं लेकर चले, पहले सबसे पहले जाति है, और वही अगर देखिए कि नीतीश कुमार जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो उनका कोर वोटर है, और वो नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं, अगर वो तो पलटते हैं, लेकिन उनका जो वोटर वोटर है वो भी पलट जाता है। जैसे नीतीश कुमार जिधर जाते हैं, कभी महागठबंधन में जाते हैं तो उनका जो है वो महागठबंधन में चल जाता है उनका वोटर, और जब बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी के साथ उनका वोटर चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है, और खासकर अगर हम एक सीट की हम बात करें, मुंगेर की हम बात करें, तो मुंगेर में आरजेडी ने वहां से अशोक महतो को उतारा, जो बाहुबली थे अपने जमाने में, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है, तो वो पूर्वी जाति से है। लेकिन अगेंस्ट में जो उम्मीदवार है वहां जदयू के ललन सिंह, आप जानते होंगे जदयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वहां पर देखा गया कि नीतीश कुमार की जाति होने के बावजूद कुर्मी जो वोटर थे, जो नीतीश कुमार के पक्के समर्थक थे, उन्होंने आरजेडी के जो उम्मीदवार थे, कुर्मी उम्मीदवार अशोक महतो, उनको उन्होंने टिकट ये वोट दिया, जैसा ये कहा जाता है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो छठे चरण का जो प्रचार है वो खत्म हो चुका है और अब मतदान की तैयारियां चल रही हैं। दूरदर्शन न्यूज़ की ओर से हम भी आप सभी से अपील करेंगे कि आप लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लीजिए। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, दिन भर क्या कुछ रहा, क्या कुछ चुनावी हलचल रही, ये हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने पंजाब में पहली रैली पटियाला में की, वो पारंपरिक सिख पगड़ी में नजर आए। उन्होंने बताया कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर से लेकर लंगर को टैक्स फ्री कराने तक ऐसे कई अनगिनत प्रयास उनकी सरकार द्वारा किए गए हैं जो सिख समाज की आस्था और उनके गौरव से जुड़े हुए हैं। ये इंडी गठबंधन वाले गौर सांप्रदायिक है, ये गौर जातिवादी है, ये गौर परिवारवादी है, सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे, और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे, हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। तो एक तरफ छठे चरण के लिए प्रचार का शोर जहां थम गया, वहीं सातवें चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। अब पार्टियां अंतिम चरण के लिए दमखम लगाने में जुटी हुई हैं। भाजपा समेत एनडीए में शामिल अन्य दलों के दिग्गज नेता भी देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दो
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए छठे चरण का प्रचार अभियान थमने के साथ ही अब सभी दलों की नजर सातवें और अंतिम चरण की सीटों पर लगी हुई है। सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दिग्गज प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खासतौर पर भाजपा समेत एनडीए के बड़े नेता धुआंधार जनसभाएं और रोड शो के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने ओडिशा के मयूरभंज, भद्रक, जगतसिंहपुर और जाजपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए बीजेडी सरकार और इंडी गठबंधन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन एक ऐसा समूह है जो परिवारवाद और तुष्टीकरण के अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं। ये जो कांग्रेसी भाई है ना, ये जो इंडी है, गठबंधन है, ये कांग्रेसी भाई कुछ नहीं है। अपने परिवार को चलाना, अपने परिवार के लोगों को बैठाना और भ्रष्टाचार करना, यही इनका काम है। ये सारे इंडी गठबंधन, ये सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उधर दिग्गज नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी विभिन्न राज्यों में प्रचार में जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, संपूर्ण राष्ट्र में मोदी लहर है और इस वजह से एनडीए की विजय सुनिश्चित है। आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, हाईवे 4 लेन 6 लेन 12 लेन के एक्सप्रेसवे और 4 लेन के हाईवे बन रहे हैं। रेलवे का अत्याधुनिकरण मॉडल अब मीटर गेज से बढ़कर के बुलेट ट्रेन के रूप में, कहीं वंदे भारत के रूप में, कहीं अमृत भारत के रूप में, कहीं नए नमो भारत के रूप में, हम सबको देखने को ये मॉडल मिल रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उत्तरी कोलकाता से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने प्रदेश की टीएमसी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमेशा कह के आ रहा है कि यहाँ पर एपीजमेंट का राजनीति चल रहा है और ओबीसी को लेके जिस तरह कोई कानून बिना मान के ये लोग इसको चलाया, अल्टीमेटली क्या हुआ, ये हाई कोर्ट से ये कैंसिल हो गया। तो ये तो अभी दिखाई दे रहा है एक्चुअली क्या यहाँ पर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ये भी एक एविडेंस अभी हम लोग दिखाई दे रहा है। इस बीच हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जा जाकर प्रचार किया। उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के सुशासन पर लोगों से वोट देने की अपील की। अनुराग सिंह ठाकुर ने साथ ही राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि उन्होंने माना है कि जब 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तो अनुसूचित जाति, जनजातियों और पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा। 60 साल कांग्रेस जब सत्ता में रही तो इनके समय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा। उनको पिछड़ा बना के रखा गया, उनकी केवल वोट का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। वो गरीब थे, उनको और गरीब किया गया। यही कांग्रेस की नीति रही, बांटो और राज करो। जातिवाद, क्षेत्रवाद पर राजनीति करती थी और आगे भी कांग्रेस यही करने वाली है। ये स्वयं उन्होंने माना है कि कैसे उनका शोषण भी होता रहा, कैसे उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। वहीं एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने पटना में एनडीए के लिए प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 4 जून को महागठबंधन का बिहार से सुपड़ा साफ हो जाएगा। 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। बचा छठा और सातवां चरण 25 और 1 तारीख का जो है, उसमें हम लोग 400 पार कर लेंगे। उधर बलिया में भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने पार्टी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट देने की अपील की। इसके अलावा हिमाचल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी नाहन में चुनाव प्रचार किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज़।
लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए विभिन्न दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जा जाकर प्रचार किया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। जो जनता का गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी की जो बातें रही हैं और उन्होंने जो वादे किए हैं वो आज कोई भी वादा उनका पूरा नहीं है। जहां महंगाई बढ़ी है, चरम सीमा पर पहुंचा है बेरोजगारी, और फिर उनकी भाषा देखिए, उनकी भाषा बदल गई है। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने रैलियां कर लोगों से अपने लिए वोट की अपील की। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि 4 जून को इंडी गठबंधन के पक्ष में बहुमत आने वाला है। हम जो सरकार बनाना चाहते हैं वो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करेगी। श्री राहुल गांधी जी की मंशा यही थी कि सरकार ऐसी बने जो सरमाएदारों के लिए ना काम करे, आम आवाम के लिए काम करे। इस बीच बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से अपनी बेटी मीसा भारती के समर्थन में चुनाव अभियान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में हलचल है और इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी नारा लगा रही है, लगाने को हमको भी नारा लगाने कहा के, उनको भी नारा लगाने कहा के। इंडिया अलायंस बनेगा सरकार, पूरा देश भर में हलचल है, इंडिया सरकार आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी सर। बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सर उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते है ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर, इन्वेस्ट कर। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। राहुल गांधी के मीडिया के खिलाफ बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व CM और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कड़ी निंदा की है। DD न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ के पूर्व CM और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहा है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, भारतीय मीडिया को बिकाऊ कह रहे हैं राहुल गांधी, ये लगता है कि जब पराजय नजदीक आ जाता है तो नेताओं में किस प्रकार की बौखलाहट होने लगती है और ये बौखलाहट बयान से स्पष्ट होने लगता है। राहुल गांधी जी का तत्कालिक बयान जो अभी आया है
और लोकतंत्र के आधार जिसको कहते हैं, चौथे स्तंभ जिसको कहा जाता है, मीडिया, मीडिया के ऊपर इस प्रकार का सार्वजनिक आरोप लगाना कि मीडिया ब्लैकमेलरों का समूह है और ये वसूली करने वाला गिरोह है, मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जी शायद भूल गए हैं। छत्तीसगढ़ में 5 साल से जो पिछली सरकार रही है, पत्रकारों को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया, जेल के अंदर डाला गया, किस प्रकार का व्यवहार पूरे छत्तीसगढ़ में व्यवहारों के साथ आतंक से जिए हैं, और आपातकाल भी भूल गए शायद। राहुल गांधी का एक और बयान आया है, बीजेपी सरकार पर उन्होंने कोयला घोटाला का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बन रही है और हम इसकी जांच कराएंगे। राहुल गांधी जी को कोयले घोटाले की जड़ जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ वरिष्ठ अधिकारी IAS अधिकारी जेल के अंदर हैं, इनके सचिव जेल के अंदर हैं, और 500 करोड़ से ऊपर का घोटाला ऑफलाइन और ऑनलाइन का खेल करने में हुआ। पहले राहुल जी पुराने हमारे मुख्यमंत्री जी को बुला के समझ लें कि भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में कैसे शुरुआत हुई और वहीं से जांच कराएं। तो ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, जो DD न्यूज़ से बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, DD न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। और आइए अब बात करते हैं चर्चित लोकसभा सीट की। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट हॉट सीटों में शुमार है। इस बार रामकृपाल यादव भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, तो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती RJD से चुनावी मैदान में ताल ठोंक रही हैं। क्या कहते हैं पाटलिपुत्र के चुनावी समीकरण, देखिए हमारे संवाददाता कुमार आलोक की ये खास रिपोर्ट। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट हॉट सीटों में शुमार है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। यहां पर 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं और तीनों ही चुनाव में NDA के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव को 3री बार चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ उनका मुकाबला RJD के प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से होगा। 2 बार से लगातार पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए रामकृपाल यादव पहले कभी लालू यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले RJD से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर रामकृपाल यादव मीसा भारती को मात देते हुए संसद पहुंचे थे। इस बार रामकृपाल यादव PM मोदी के विकसित भारत के मंत्र को लेकर एक बार फिर अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। लगातार 10 साल के दरमियान जो डबल इंजन की सरकार है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां विकास की किरण न गई हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रतिनिधि से कि पूरे 10 साल से यहां हमसे 50,000-40,000 कम वोट मिल रहा है, मगर वोट तो मिलता है इस इलाके में जहां बड़े पैमाने पर उनको समर्थकों ने वोट किया, जनता ने वोट किया, कभी उनके आँख को दर्द को आँख के पूछने एक विकास का काम बता दे, एक 10 साल में एक और एक कार्यकर्ता का नाम बता दें, आम जनता की बात छोड़िए, जिनके दुख और दर्द को बांटने का काम क्या होगा। राजनीतिक मतभेदों के बीच मीसा भारती रामकृपाल यादव को अपना चाचा मानती हैं और रामकृपाल यादव भी मीसा को अपनी भतीजी बताते हैं। इस बार पाटलिपुत्र में मीसा भारती और उनके चाचा लगातार 3री बार चुनाव मैदान में है। एक तरफ जहां रामकृपाल लालू पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो मीसा इस विषय पर अपने प्रतिद्वंद्वी पर पलटवार करते नजर आ रही हैं। रामकृपाल जी या इस बिहार राज्य के सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जनता की सेवा करते आए हैं। आप यहाँ पूछ लीजिए, ये महिला हमारे 2 बार वहाँ रहे पाटलिपुत्र क्षेत्र में, एक जो मूलभूत सुविधा जो कहते हैं पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है और जनता के बीच में, और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के यहाँ पे बताइए 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और उसमें से 39 सीटें जिता के भेजती है, एक भी सांसद ना तो वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ता है ना अपने काम के बल पे चुनाव लड़ता है। दोनों उम्मीदवारों द्वारा जीत के दावे के बीच स्थानीय जनता की बात करें तो उनकी अपनी समस्या है जिसका वो समाधान चाहते हैं। खास करके सबसे बड़ी
युवाओं में, शिक्षा में, रोड, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा, आवागमन की सुविधा, पूरे पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में राम कृपाल जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया 10 सालों में। सबसे बड़ा समस्या पाटलिपुत्रा में हम लोग आए हैं कि इतना जाम का समस्या है और हमारे जनप्रतिनिधि आज 10 साल से सिर्फ घूमने का काम की। बात करें पाटलिपुत्र लोकसभा के सियासी गणित की तो इस सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम शामिल हैं। वहीं इस सीट से जुड़े लोकसभा इतिहास को देखें तो 2009 के आम चुनाव में जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव यहां से सांसद चुने गए थे। वहीं इसके बाद 2014 और 2019 में भाजपा के रामकृपाल यादव ने जीत हासिल की थी। अब इस चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र में हैट्रिक जमा पाएंगे या फिर उनकी भतीजी मीसा भारती बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होंगी। यहां चाचा और भतीजी की लड़ाई जबरदस्त है। एक तरफ चाचा यानी रामकृपाल यादव मतदाताओं से अपने 10 सालों में किए गए विकास कार्यों का हवाला देकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर भतीजी यानी मीसा भारती चाचा के विकास कार्यों को सिरे से नकार रही है। अब 1 तारीख को परीक्षा होगा और 4 तारीख को परीक्षा फल किसके पक्ष में जाएगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज पाटलिपुत्र। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। क्या हुआ? I have lost everything, काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds. वो regulated है, verified भी है and are handled by experts. अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। Thanks, काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अगली चुनावी खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। कश्मीर घाटी में इस बार हुए अच्छे मतदान के बाद 6ठे चरण में होने वाले अनंतनाग राजौरी लोकसभा चुनाव के लिए आयोग ने स्वीप अभियान के जरिए इलाके के लोगों से ज्यादा मतदान की अपील की है। देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है और मतदान के महत्व को समझाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अहरबल पर्यटक इलाके में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों, एनसीसी कैडेट और पर्यटकों को घुड़सवारी करवाने वाले घुड़सवारों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए मतदाताओं को हम हर सुविधा मुहैया कराएंगे। 25 तारीख को सबसे पहला कोई ऐसा काम करना है तो वोट करना है। वोट की अहमियत आपके ही सामने, यहाँ के ही जो नौजवान और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने वोट की अहमियत आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताई है। अपेक्षा करता हूं कि जैसा टर्नआउट वोटर परसेंटेज दूसरे जिले में रहा है, कहीं उससे ज्यादा अच्छा टर्नआउट कुलगाम में भी होगा। वहीं पहली बार वोट डालने के लिए तैयार युवा मतदाताओं ने अनोखे तरीके से अपनी कला के जरिए पूरे उत्साह के साथ कश्मीर घाटी में मतदान की अपील की। अहरबल घाटी में दिव्यांग मतदाता और लोक कलाकार एजाज अहमद ने भी अपने गीत के जरिए वोट का महत्व बताया। अस्पुत चलती गरियल नेर, अस्पुत चलती गरियल नेर, चाय चत्रों जखाई अदार,
अहरबल एक पर्यटक इलाका है जो कि बर्फ से घिरी घाटी के कारण काफी मनमोहक दिखता है। मतदाता जागरूकता अभियान में घाटी और आसपास के ग्रामीणों ने संस्कृति और कला के माध्यम से मनमोहन तरीके से अपना प्रदर्शन भी किया और ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। आपस में जोर आजमाइश करते हुए ये युवा पहली बार वोट डालेंगे और इस वोट की ये ताकत है कि वो अपनी ऐसी नुमाइंदगी संसद में पहुंचाएंगे जो इनके लिए काम करें। निश्चित तौर से जो ये काम मतदान का यहाँ पर ये करने वाले हैं, इनके बीच जो उत्साह है वो इनकी टग ऑफ वार में भी दिख रहा है। ये हर हाल में लड़ने के लिए और जूझने के लिए तैयार हैं और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज अहिरबल। तो जनादेश में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को